सबसे पहले तो उनको हम बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस पाखी, इतना अच्छा कदम उठाया और इतने बड़े तरीके से, रियली हैप्पी फॉर यू। और हम प्रे करेंगे कि बहुत ज़्यादा इनका ये जो कर रही है, जो भी प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा हो जाए। ऑफ कोर्स, मतलब अभी जो पता चला कि ऑलरेडी मतलब 150 बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप कि मतलब ऐसे कंटिन्यू आते ही रहे और सब हाउसफुल हो जाए। तो मैं मुझे देख के लगता है कि मैं इतना दिमाग रख सकती हूँ, पता नहीं, ये रख सकते हैं डेफिनेटली। हम आगे चल के कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे जाके सोच सकते हैं, बट अभी सच्चाई ये है कि इतना ज़्यादा मतलब खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम नजबलिए कर रहे हैं तो उसी में ही सुबह से शाम चालू है। अभी भाग के आए हम लोग, बिकॉज इतना क्लोज फ्रेंड है वो हमारी, और इतना बड़ा चीज़ उन्होंने किया है, तो एक हेलो हाय बधाई देने के लिए हम भाग के आए। मात्र 10 मिनट के लिए आए हैं, अभी फिर जाके रिहर्सल करना है हमको। हमारे साथ बहुत स्वीट है, बहुत सारे स्वीट हैं, सब अच्छे हैं, अब फ्रेंड हो गए हैं, क्योंकि हम उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोनाक्षी जी तो फिलहाल अपने तरफ की हैं, लेकिन उनको सबसे अच्छा ये लग रहा है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल, तो बिग बॉस ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या नचबलिया? दोनों आई थिंक अलग अलग फील्ड है। बिग बॉस की वजह से नचबलिया है डेफिनेटली, आप सब लोग जानते हैं। बिग बॉस का घर मतलब स्ट्रेसफुल ज़रूर था, बट बाहर आने के बाद उतना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरे को ये मिले मतलब पहले ही मिल चुके थे, बट शादी हो गया हमारी, तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पतली हो गई आप देख सकते हो, तो वो सब उनका देन है। एंड उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है बिकॉज ऑफ बिग बॉस, तो मेरे लिए दोनों बहुत अच्छा है। एंड डांस नच पर लिए बिग बॉस की वजह से ही, जैसे कि हमारी शादी हुई वहाँ पे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये मौका आप लोग समझ सकते हो, शायद कम ही लोगों को मिलता है। तो और दूसरी बात यह है कि नच बलिए में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो फेमस हैं, लेकिन उनमें से हमको चूज़ किया गया, तो हम लकी हैं कि हमको बुलाया गया। हम भोजपुरी से हैं, और आपको बताऊं तो वो लोग खुद एक्साइटेड होते हैं हमारा नाम लेके, हमसे बात करके, हमारा परफॉर्मेंस देख के उनको अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम शायद भोजपुरी को एक तरीके से बोल लीजिए तो अपने तरफ से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। और ये भी बताऊं कि भोजपुरी से सभी लोग हमारे सपोर्ट में है, जो और अच्छा लग रहा है। एक एक फिल्म आने वाली है मेरी, जिसका नाम है जय श्री राम। अभी हाल में ही उसका टीज़र लॉन्च हुआ है, बहुत पसंद किया जा रहा है उसको। तो और भी फिल्में हैं जो रिलीज़ पे ही रहेंगी, फिलहाल अभी शूटिंग का टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग डेट नहीं दे पा रहे हैं। तो जय श्री राम के बाद नथुनिया पे गोली मारे, उसके बाद संजो, ऐसे बहुत सारी फिल्म लाइंड अप है। तो पता नहीं क्यों डेफिनेटली जाना चाहूँगा, और क्या, ये काफ़ी रो के आई है, मैं रुला कर दूँगी। हाँ, मैं समझ सकते हैं कि जाओ जाके समझो कैसा लगता है। जो भी है, ये आपने पूछा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, पता नहीं जाने का इरादा है। मैं तो अभी चालू, हम तो बिल्कुल चाहेंगे, बट आप लोग भी जब चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है वो जाए। थैंक यू।